भाइयों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप सब लोग बड़ी भांति जानते हैं कि पिछले कई सालों से जो ट्रेड और इंडस्ट्री के हालात हैं वो काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं और हमारे जो एक संघर्ष जो हमने जारी रखा हुआ है जिसमें मेन मुद्दा जो हमारा है जम्मू के इनोसेंट लोकल अनएम्प्लॉयड जो माइक्रो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा पूंजी से लेके भविष्य तक इसपे दांव में लगा दिया है। और ये केवल आप ये नहीं देखो कि केवल इंडस्ट्री के चंद जो कॉम्प्लेक्स है वहां जो इंडस्ट्री है उनकी हम बात कर रहे हैं, हम पूरे जम्मू में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी माइक्रो इंडस्ट्री है हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये हमारा संघर्ष तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक इस बुरे दौर को सही ढंग से सरकार की नीतियां जो या जो भी सरकार ने इंडस्ट्री के लिए पैकेज जम्मू कश्मीर में रिलीज किए हैं जब तक इनको नहीं मिल जाता तब तक हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, क्योंकि इसमें जम्मू के लोकल जो स्थानीय अनएम्प्लॉयड जो था वो जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि माइक्रो इंडस्ट्री की जो मेजॉरिटी है इस वक्त जम्मू में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ने से, इसका प्लांट एंड मशीनरी कैपेसिटी बढ़ने से सब लोग ऑलमोस्ट 90% तक जो इंडस्ट्री है वो माइक्रो के दायरे में आ चुकी है, सवाल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन माइक्रो ज्यादा जुड़ा हुआ। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा जिसमें छोटे छोटे लोहार हैं गांव की तरफ हैं जो डीआईसी में रजिस्टर्ड भी नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री वो है, छोटी फर्नीचर की दुकानें हैं और छोटा काम करने वाले जो माइक्रो के दायरे में आते हैं, हम उन सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बार हमारी जो आवाज है सरकार तक पहुंचने के बावजूद भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि वो शायद नींद से जागे हों। हम प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं लगातार, अपनी समस्या को भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की नीति कोई भी जो दिल्ली से मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो हमारा पैकेज जो दे रही है बड़ा अच्छा नौजवानों के लिए, अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने बोला नौजवानों को किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन कमी अगर ना हो तो हम क्यों यहाँ पे बैठ के संघर्ष करने की बात करें। ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पैकेज जो आता है ये आज पहली बार नहीं आया, ये 28,400 का पैकेज, इससे पहले भी बड़े पैकेज पिछले 50-60 साल से पैकेज आ ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये हम आपको आप भाई बंधु अगर किसी समय भी तैयार हो गए हमारे साथ जितने भी बड़ी ब्राह्मणा सांबा कठुआ या गंग्याल जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ हमारे साथ चले, हम आपको वहाँ बताएंगे कि पैकेज खाने के लिए बाहर से जो इंडस्ट्री आती है बड़ी इंडस्ट्री एक दो 200-200 कनाल जमीन जो है ले लेते हैं, उस सस्ती जमीन मिली उनको, उसके बाद वो पैकेज का मोटा हिस्सा खाते हैं। जब पैकेज खत्म होता है जब उसकी अवधि खत्म होती है वो अपना प्लांट मशीनरी उठाते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं। आप चाहो तो हमारे साथ चल के विजिट करके वहाँ आप फिल्म बना सकते हो, तस्वीर ले सकते हो, वहाँ देख सकते हो कि क्या जो इंडस्ट्री के रिलेटेड जो समस्या है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देखता है। हमने बहुत बार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाई है, उनको पता भी है, हम ये कह रहे हैं कि वो कहाँ मतलब क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, क्या कर रहे हैं, क्या समस्या है, क्या समस्या ही समस्या है सबसे बड़ी।